गाइस आफ्टर 2024-26 अब पता नहीं कितना एक्चुअली में केदारनाथ का ट्रैक करने के बाद देखिए हालत क्या होता है। जस्ट अभी रूम में घुसा है ये, देखिए क्या हालत हो गया इसका। इसके बाद फिर पैदल चल के जाना, कैसे जाएगा आकाश तू? हेलीकॉप्टर कैसे जाएगा? लो हीटर ऑन है तो। हेलो गाइस, सुबह का 9 बज रहा है अभी। हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं, मतलब कल ही पहुंचे, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे सबका सब लोग रेडी हो रहा है, अपना अपना ड्रेस वगैरह पहन रहा है। तो गाइस निकल रहे हैं हम मंदिर में चलते हैं। वहाँ पे हमने अपना अभिषेक पूजा वगैरह कराने के लिए बुकिंग कर रखा है, तो हम जाएंगे वहाँ पर पूजा वगैरह करेंगे और फिर थोड़ा घूमेंगे वहाँ पे। तो चलिए निकलते हैं हम। गाइस ये मॉर्निंग व्यू है हमारे होटल का बाहर का। यहाँ पे हम होटल लिए थे, होटल का नाम है आपका क्या था, कानपुर हाउस। तो वैसे हम जो सा रूम में थे उसका प्राइस तो 10,000 होता है जब यात्रा स्टार्ट होती है, पर हमें मिला 1500 में। तो वही है अगर आप अगस्त के एंडिंग और सितंबर की स्टार्टिंग में आते हो, मतलब अगस्त महीने में आते हो, लेकिन अगस्त महीने में स्टार्टिंग में बहुत ही बारिश होती है, तो आप अगस्त महीने के एंडिंग में आओ तो सही है, या फिर सितंबर स्टार्टिंग में। तो इस समय आपको होटल वगैरह सस्ता में मिलता है और कैंप वगैरह 100-200 में ही मिल जाता है आपको, लेकिन खाने पीने का तो दाम वही रहेगा, आपको खाने पीने में खर्च करना पड़ेगा। और ट्रेकिंग तो मैं क्या ही बोलूँ, ट्रेकिंग में जो हालत अपना ख़राब हुआ वो आपको जो ब्लॉग में तो आप देखे ही होंगे। लगभग लिखा तो था 16 किलोमीटर पर लगा नहीं कि 16 किलोमीटर था। आखिरकार हम पहुंच गए केदारनाथ। तो अभी अभिषेक वगैरह पूजा वगैरह करेंगे हम। वैसे भीड़ भाड़ के समय में तो सबको दर्शन नहीं हो पाता, पर हम बहुत लकी है कि हमें सब दर्शन हो रहा है, अंदर जाकर पूजा भी कर पा रहे हैं हम। तो चलिए ये पंडित जी है, राजेंद्र शुक्ला नाम है इनका। तो यही हमारा पूजा कराने वाले हैं। हम रात में इनसे कांटेक्ट किए थे, तो आपको इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर आप आते हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यात्रा का स्टार्टिंग हो तो ये आपका दक्षिणा वगैरह जो होता है ना, खर्च वगैरह वो ज़्यादा पड़ता है, पर हमें 1100 पड़ा क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है। तो दोस्तों हमने अंदर जाकर गर्भगृह में पूजा किया और जल वगैरह चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, और अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए। मंदिर के अंदर वीडियो करना अलाउ नहीं है, और मंदिर दो 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 गर्भगृह है अंदर। अंदर में एक बहुत बड़ा अंदर में एक है जहाँ पे शिवलिंग है, और उससे पहले जो आप देख सकते हो दो तरह का है ना, आगे जो दिख रहा है ना उसके अंदर 5 पांडव, फिर आपका कुंती, फिर आपका द्रौपदी, फिर आपका नंदी जी का, शिव जी का है। और अंदर में जो है उस जो पीछे वाला दिख रहा है आपको, उसमें शिवलिंग है जो कि बड़ा सा है शिवलिंग पत्थर का। तो वहीं पे हमने जल अर्चना की, पूजा की, और अंदर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पूरा जो साइड के जो वॉल्स वगैरह है वो गोल्ड से प्लेटिंग की हुई है। जो प्लेट वगैरह होती है ना टीन की तरह, जो प्लेट जो होती है पतली सी थिकनेस, उस तरह का पूरा प्लेट लगाया हुआ है, पूरा सोना ही सोना है अंदर में। और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा अंदर जाकर, पूजा करके बहुत अच्छा लगा। और आप लोग आइए, आप लोग दर्शन करिए। यही तो है ना बड़ा पत्थर टू भीमशिल, ये मतलब वो वहाँ से ना जब फ्लड आया था तब पूरा मतलब पूरा खतरनाक सब चला गया था, सिर्फ ये एक बड़ा पत्थर आके यहाँ पे रुक गया ताकि मंदिर को कुछ ना हो। सोच वो भी जान पूछे यहाँ पे क्या है, भगवान असली का है ना इसका वजह से पूरा। आदि गुरु शंकराचार्य का भी एक मूर्ति है ना यहाँ पे। ये जो मंदिर है, वैसे पांडव जब क्या कहते हैं, जब महाभारत ख़त्म हुआ
तो मोक्ष का प्राप्ति के लिए उन्होंने यात्रा शुरू की। तब से यहाँ पे ये मंदिर है, पर जो ये अभी जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये मंदिर कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया था 1200 साल पहले। उसके बाद कई राजा आए, बहुत बहुत कोई आए जो इसे समय के साथ और इसको रिनोवेट करते गए। तो अभी भीमशिला देखते हैं हम, घूम के जाना पड़ेगा। ये उन लोग के मुंह में बहुत बड़ा तमाशा है जो कहते हैं कि पैदल यात्रा संभव नहीं है। नहीं नहीं, जो भगवान नहीं है वो, उनके मुंह में एक बड़ा सा तमाशा है। ये वाला पत्थर ना, ये वाला, ये इतना सारा पत्थर इकट्ठा क्यों गया है? कुछ अलग से पूछना पड़ेगा। ये भीमशिला भाई साहब, गाइस ये रहा अपना भीमशिला, देख सकते कितना बड़ा पत्थर है। तो ये भीमशिला है, तो हम थोड़ा प्रार्थना वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने कहा था ना, आदि गुरु शंकराचार्य का मूर्ति है, वहीं पे महागुरु आदि शंकराचार्य का समाधि भी है, तो हम वहाँ जाना जा रहे हैं। तो मंदिर तो घूम लिए, मंदिर में पूजा अर्चना भी कर लिए, तो चल रहे हैं हम आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि पे। मंदिर के जस्ट पीछे ही है, बस थोड़ी दूर आपको चलना पड़ेगा, 100-200 मीटर। हिंदू धर्म को बचाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य मतलब बहुत कम उम्र में मतलब अपना घर वर छोड़कर निकल गए और सब जगह मतलब शब्दार्थ किया उन्होंने, बहुत कुछ किया उन्होंने। इनका चार धाम है, इधर मतलब नॉर्थ में केदारनाथ है, साउथ में रामेश्वरम में है, और आपका वेस्ट में शायद द्वारका में है, और ईस्ट में एक जगह कोलकाता कहीं उड़ीसा में है शायद, ईस्ट में जगन्नाथपुरी। यही बनाया 1200 साल पहले, तो इनका समाधि यहीं पे है ना, यहीं पे इनका मृत्यु हुआ शायद। समाधि मतलब समझता है ना, महागुरु आदि शंकराचार्य। वैसे ये इन्होंने एक शिव स्तुति लिखा है, मैं दो लाइन कहना चाहूँगा, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें वो कहते हैं, ईश गिरेश नरेश परेश महेश विलेश भीषण भू साम सदा शिव शंभु शंकर, उसके बाद याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा है वो, आप एक बार सुनिए। शिव स्तुति आदि गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। लकी तो नहीं। आज गाइस सावन का महीना खत्म होने वाला है, पर आप देख सकते हैं कि हम सावन का महीना में केदारनाथ धाम यात्रा करने पहुंच गए और दर्शन भी किए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने सावन का महीना में केदारनाथ धाम दर्शन किया। तो ये सब आप देख रहे होंगे, ये सब जो पत्थर वगैरह रखे हैं ना, ये सब लोगों सब मतलब जो यात्री आते हैं वो लोग रखते हैं, और वो लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, तो हम भी रखेंगे अपना। और तो कुछ खास यहाँ पे दिखाने को नहीं रहा, मंदिर तो मैंने आपको दिखाया, आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि भी दिखा दिया मैंने आपको। मंदिर का अंदर का तो आप कैमरा नहीं लेके जा सकते, अलाउ नहीं है। तो बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करिए केदारनाथ। अभी मौसम सही है,
आज आपका 28 है ना, आज नहीं 27, आज 27 अगस्त हो गया, अभी मौसम सही है, आप आ सकते हैं। गैस आकाश यहाँ पे चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ के पत्थर जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत मांगेगा ये, और मेरे लिए पत्थर रख देगा ये बोला है। तो देखिए ये चढ़ रहा है, जरूर जरूर जरूर, जब जब कोई ना कोई तो उठ के रखा ही है ना ऊपर जो रखा है, तू क्यों नहीं कर सकता है। कैसे उठाना पड़ेगा? नहीं समझा, पीछे से धक्का देगा। चलो और राहुल को बोला, राहुल छोटा है ना, उठ जाएगा यहाँ में, रात लाता है हम पीछे धक्का देगा। गाली वाली तो पूछ लेगा तो नहीं देखा, आदमी लोग रखा है ना ऊपर, रखा है बोल के चढ़ाना, पत्थर रेडी कर सकता, देर नहीं उठेगा, चढ़ना हमें पत्थर दे देगा तू, ये सब में से चुन चुन के दे देगा। तीन चाटू रखने से हो गया, आजा आजा, मैं धक्का दे देगा। अच्छा पत्थर भी देखो, काट वाट के दिया हम वैसा देखिए। अरे वो तो टाइल्स है, तो वही तो हम भी ऐसा देखिए। तो गाइस आकाश से तो चढ़ा नहीं गया, पर क्या कर सकते हैं, नीचे हम लोग पत्थर रखेंगे। वैसे जाएगा, लेकिन वो बोले ना अंकल से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या मतलब, वैसे मतलब उठने तो वाला था, पर पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने कहा कि उठ के कोई फायदा नहीं है, ये पत्थर हटा के यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनेगी। आप देख सकते हो यहाँ में JCB वगैरह लगा हुआ है, ये सब कुछ दिनों में बहुत चेंज हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। तो हम पत्थर रख लेते हैं, आकाश बैग पकड़, हम भी पत्थर रखेंगे। ये रहा, ये रहा अपना, कितना लगाया? चार, मैंने चार रखा, बोल तो पत्थर रख लिया। अबे गधा, वो अच्छा सिस्टम खत्म हो गया, थोड़ी अब तो ये बाबा लोग बैठे सेवा कर जा, कुछ दे जा बड़ा बड़ा, एक 500 मायावी लोग थे, बलशाली लोग थे, पचास पचास हाथियों का बल था, फिर देख ले इंसानों का तो बात नहीं है। हम तो वहाँ देखो दिक्कत नहीं, गाइस हमने मंदिर घूम लिया, वहाँ पे बाबा, वहाँ पे बाबा जी लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ कुछ देर तक बातें की है हमने। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, बहुत भूख लगा हुआ है। पूजा वजा तो हो गया, लगभग 10-11 बजे या टाइम अभी, और वहाँ 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 पे भैरवनाथ का मंदिर है, तो वहाँ भी जाएंगे हम लोग अभी कुछ देर में। तो चलिए चलते हैं, ले लेना ये भी तो लेके जाएगा। दोस्तों जो मंदिर के अंदर से पानी निकलता है उसे बहुत लोग भर के ले जाते हैं, बहुत शुद्ध होता है पूजा का जो पानी होता है, तो हम भी पानी में से भर के लेके जा रहे हैं। तो देखिए पानी भरने आ गए हम लोग, उस साइड जाना होगा सर। अपना लिए बोतल लिया, पानी कहाँ से आ रहा है? बस ना, ये पानी अंदर से आता है, अंदर से आता है, बोले ना तू चलता है। हमने पानी भर लिया है, तो निकलेंगे आपकी क्या कहते हैं भैरवनाथ मंदिर।
तो गाइस ब्लॉग भरा ना हो इसी के कारण से हम ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे और मिलते हैं नए ब्लॉग में जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा द प्रोटेक्टर ऑफ केदारनाथ बाबा भैरवनाथ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोशिश करें वीडियो को पूरा देखने की। धन्यवाद।